आपकी फिल्म यात्रा दाया बाएं इसके पहले कहाँ से शुरू हुई? पहले मतलब मैंने थिएटर किया है। अच्छा अच्छा, कब की बात हो रही है? जब मैं कॉलेज में थी। फिर उसके बाद मैं एक्चुअली एक एनजीओ को ज्वाइन करना चाह रही थी पहाड़ों में, पर मैंने शायद एक गलत एनजीओ चुना मिलने के लिए, तो क्योंकि वहाँ जाके मुझे लगा कि ये मैं कंफर्टेबल नहीं थी। और फिर उसके बाद मैं FTI गई, वहाँ पे मैंने फिल्म एडिटिंग का कोर्स किया, और उसके बाद बॉम्बे एडिटिंग की एक दो साल, और उसके बाद खुद का एक प्रोडक्शन हाउस बनाया जहाँ पे हमने एक टेलीविजन शो भी किया था। कौन सा शो? एक शो था पतली गली। अच्छा। फिर उसके बाद हमारे प्रोडक्शन हाउस है जो एडवर्टाइजिंग और कॉर्पोरेट फिल्म्स बनाते हैं। जी। तो दाइयां बाई मेरी पहली स्क्रिप्ट भी थी और मेरी पहली फिल्म भी थी। तो उसके बाद मैंने काफ़ी सारी फिल्म स्क्रिप्ट्स लिखी हैं, और जिसमें अभी दो तैयार हैं, और होपफुली ये फिल्म आने के पहले जो और स्क्रिप्ट राइटर जिन फिल्मों से आप जुड़ी थी उनके बारे में। अच्छा अच्छा, पहले तो मैं सबसे पहले FTI से निकलने के बाद रीनू सलूजा को असिस्ट कर रही थी, वो एक बहुत मशहूर एडिटर हैं। दो चार फिल्में थी, गॉड मदर, परदेस, अलबेला, जब प्यार किसी से होता है तो ये कुछ फिल्में थी। फिर उसके बाद कुछ शॉर्ट फिल्म्स मैंने खुद से एडिट की और कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी, और उसके बाद फिर मैं खुद फिर मैंने एडिटिंग छोड़ ही दिया जब तक मैंने अपना फिल्म खुद का फिल्म एडिट करने पे मजबूर हुई मैं। हाँ जी। तो ये दाएं बाएं को बनाने का दिमाग में आइडिया कब आया? अब क्यों कैसे? हाँ, अब क्यों, मतलब मैं पहाड़ों पे एक फिल्म तो बनाना चाहती थी, क्योंकि बचपन से मेरी माँ मुझे बहुत सारी रंगीन कहानियाँ भी बताती थी वहाँ के बारे में, जो रंगीन भी थी और बहुत उनमें क्या बोलते हैं, मतलब एक सैडनेस भी थी, मतलब उसमें बहुत ह्यूमर भी था और बहुत सैडनेस भी थी, क्योंकि वो जो ज़िंदगी थी उसमें बहुत सारी मतलब बहुत सारे दुख थे उनकी खुद की, एक जो बच्चों की लाइफ थी जब वो बच्ची थी वो काफ़ी डिफ़िकल्ट थी, तो उसमें एक ह्यूमर भी क्रिएट होता है कि कैसे आप उन परिस्थितियों में कैसे आप चीज़ें करते हैं, उसमें ह्यूमर भी होता है। पर और जब मैं गांव वापस जाती थी तो मुझे ये लगता था कि मेरे माँ के बचपन से और अब तक कुछ वहाँ पे खास फ़र्क नहीं आया है, ऐसे वहाँ की परिस्थितियाँ अभी भी वैसी ही हैं। तो फिर मैं सोच रही थी, एक सब्जेक्ट ढूंढ रही थी, तो तब मुझे एक न्यूज़ आर्टिकल निकला था कि कोई असम में किसी आदमी ने 50 करोड़ या 10 करोड़ की कुछ लॉटरी जीती है। तो एक आइडिया आया मुझे कि वो क्या करेगा इतना, एक गरीब आदमी जिसके पास साधन नहीं है उसको खर्चने के लिए, वो पैसे को खर्च, मतलब उसके पास जो जिस गांव में रहता है तो वो क्या करेगा क्या इतनी बड़ी रकम के साथ, तो वो उसके ज़िंदगी में तो वो एक परेशानी बन जाएगी। तो वो आइडिया को लेके मैंने एक गाड़ी की कहानी, जो दाएं बाएं की कहानी है कि एक गांव में एक आदमी है जिसके ज़िंदगी में एक गाड़ी आ जाती है, उन पहाड़ों में जहाँ पे वो गाड़ी को चलाना मुश्किल है, तो वो एक तरह से एक सफ़ेद हाथी का जो कॉन्सेप्ट है कि वो बन जाता है। और दूसरी बात ये भी है कि उस कहानी में दाएं बाएं में एक आर्टिस्ट की कहानी है जो शायद नाकामयाब होके मुंबई से वापस अपने घर लौटता है, तो एक उसमें एक पर्सनल भी एक है कि एक थ्रेड है कि जैसे जो भी कोई आर्टिस्ट होता है जो एकदम बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, तो एक तरह से उसको बेवकूफ़ भी लोग समझते हैं, और वो जो भी करना चाहता है उस पर लोग हंसते हैं, तो उसकी एक यात्रा क्या है, अपने आप को ढूंढने की वो यात्रा, तो उसके बारे में भी है। ये इस फिल्म की शूटिंग पूरी गांव में हुई है। जी जी।
तो अमूमन जो आजकल बॉलीवुड की जो फिल्में बनती हैं कोई ये रिस्क नहीं लेता। हाँ, हाँ। ये तो इतनी एक ऑफबीट कहानी जी, है जी, हाँ। और फिर उत्तराखंड के किसी गांव में जाकर शूट करिए, कमर्शियली उसको नहीं वायबल लगता जी, तो ये जानते हुए भी आपने ये खतरा क्यों उठाया है कि ये हो सकता है फिल्म बहुत हिट हाँ, ना हो हाँ, हाँ। बहुत दिखाई ना जाए लेकिन हम अपनी ही फिल्म बनाना चाहते हैं? वो तो खैर उसमें तो कोई चॉइस नहीं है मेरी कि अपनी तरह की ही फिल्म बना सकती हूँ, क्योंकि अगर किसी और तरह की फिल्म बनानी होती तो पहले बहुत पहले ही एक अलग रास्ता होता कि मैं शायद किसी को असिस्ट करती रहती, किसी स्टार्स से जुड़ जाती और उस तरह से एक कमर्शियल फिल्म बन सकती थी। पर मेरे ख्याल से जो मैंने फिल्म बनाई है वो एक बहुत छोटे बजट की फिल्म बनी है और एक उसकी जो ट्रीटमेंट है वो बहुत सीरियस नहीं है। उसका सब्जेक्ट मैटर मैं सीरियस समझती हूँ पर उसका जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल भी नहीं सीरियस है और वो बहुत एक्सेसिबल है। और मेरा जो अंदाज़ था, मुझे लगा कि अगर इसको अच्छी तरह प्रमोट किया जाता तो वो सक्सेसफुल भी हो सकती थी, क्योंकि वो बहुत छोटे बजट में बनी थी और क्योंकि कॉमेडी है और इस तरह से बनाई गई है कि वो कोई भी उसको समझ भी सके और उसका मज़ा भी ले सके। तो वो एक कॉन्शियसली एक डिसीजन लिया था कि उसको आप उसका ट्रीटमेंट ऐसा होगा कि वो सबके लिए बनाई जाए और अगर कोई उसमें कुछ और ज़्यादा देखना चाहे तो वो देख सकते हैं। एक तो ये हम लोग देखते हैं कि पहाड़ या उत्तराखंड के पहाड़ फिल्मों में एक केवल खूबसूरती दिखाने के लिए आते हैं। जी 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 हाँ। आपकी फिल्म में ऐसा नहीं है। हाँ जी जी। वो पहाड़ के जीवन को भी बहुत करीब से देखते हैं जी। हाँ। वहाँ पे जो कुछ चल रहा है, ठहराव हाँ। है गांव में जी। लोग सपने देख रहे हैं कि कब वहाँ से गांव से बाहर चले जाए जी। और तो ये मतलब कम हमको देखने को आया है कि ऐसी फिल्म है जो मतलब पहाड़ की खूबसूरती के बजाय उसके अंदर की ज़िंदगी की तरफ देखती है जी। तो ये और जैसा कि आप बता रही हैं उस फिल्म में कई कहानियां हैं हाँ, कोई हाँ, एक कहानी जरूर एक हाँ, है लेकिन कई कहानियां हैं। तो ये सब जो और ख़ासकर इसका जो ह्यूमर है वो कहाँ से आप उसको लाने में कामयाब होंगे? मुझे लगता है कि क्या आप माँ की कहानियों से जो बात कर रहे हैं। जी जी हाँ, माँ की कहानी, पिताजी की कहानी और पहाड़ी लोगों में एक मतलब अभी भी मैं जब ये डिज़ास्टर जी आपदा आई है उसके बाद जब मैं जाती हूँ तो एक शायद सब गांव वालों में ये होता है पर ख़ास तौर पर पहाड़ में मैंने देखा एक सेंस ऑफ ह्यूमर वो हमेशा बना रहता है जो भी आपकी परिस्थितियाँ होती हैं। और शायद वो सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से ही आप वो परिस्थिति से निकल पाते हैं, उसका सामना कर पाते हैं। और वो तो है, पहाड़ी लोग मतलब जैसे सरदार जोक्स होते हैं वैसे अगर आप पहाड़ी लोगों के जोक्स अगर आप प्रचलित करें तो एक बहुत पॉपुलर सीरीज बन सकता है हाँ। क्योंकि उसमें और वो ह्यूमर में एक है कि एक वो सिर्फ एक दो लेवल पे काम करता है, एक लेवल पे तो एक हास्य रूप है उसमें और एक उसमें है कि जो जिन जिन परिस्थितियों के बारे में वो ह्यूमर है वो परिस्थिति शायद एक बहुत पॉइनेंट हाँ स्थिति है हाँ। तो आप हंस भी रहे हैं, उनके साथ हंस भी रहे हैं और उस पर आप सोच भी रहे हैं हाँ सोच भी रहे हैं। इस फिल्म में डिजास्टर की बात हुई उत्तराखंड की जी, तो बहुत सारे दृश्य हैं जो संकेत ही सांकेतिक ही हैं हालांकि कहानी के काम हाँ। लेकिन वो वहाँ पे माइनिंग और क्रशिंग का भी जिक्र आता है जी, जी, तो फिल्म में वो उस डिजास्टर का एक तरह से पहले से एक संकेत भी देती जी, है जी, जी, तो हाँ। आप कैसा देखती हैं कि जो पहाड़ों में जो कुछ चल रहा है जी, 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 और अब डिजास्टर के बाद हाँ। क्या लोग की सोच में कुछ परिवर्तन आया है या विकास के जो पारुए हैं उसमें क्या कुछ परिवर्तन आया है? देखिए लोगों की सोच में तो ज़रूर परिवर्तन आया है पर सरकार की सोच में परिवर्तन आया है या नहीं ये मतलब एक बहुत अहम सवाल है कि ये डिज़ास्टर के बाद सरकार कुछ अलग करेगी और क्या उनको हम मजबूर कर पाएंगे कि अलग सोच से वो आगे बढ़ें, ये बहुत एक ज़रूरी मुद्दा बन गया जिससे हम सबको अब जुड़ना पड़ेगा
जो हम मतलब क्योंकि ये सब सिर्फ मैंने अपनी फिल्में नहीं थी, ये सबको नज़र आ रहा था कि कहाँ पे ये सब जा रहा है, जो हो रहा है वो मतलब सबको दिख रहा था। पर और कई लोग बातें भी कर रहे थे, कई लोग एनवायरमेंटलिस्ट उसके उस पर टेंशन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे थे, पर शायद वो आवाज़ उतनी ज़ोर से नहीं सुनाई दे रही थी या वो आवाज़ उतनी बड़ी शोर नहीं बनी थी। पर अब ज़रूरी है कि उसको सबको जुट के क्योंकि मेरे मुझे ये मतलब फियर है कि अभी देखिए अभी डिज़ास्टर को हुए 3 महीने हुए हैं, तो अब हम फिर भी अभी उसके बारे में बात करें, पर अगर आप पहाड़ों में जाएँ तो ऐसा लगता है कि सब चीज़ अब सामान्य जैसी हो गई है और बहुत बहुत जल्द ऐसा होगा कि मतलब सब लोग भूल जाएंगे और फिर वही चीज़ें फिर शुरू हो जाएंगी। क्योंकि अभी गांव वाले की आवाज़ को बुलंद करना है और हर गांव में छोटे छोटे गांव में जाके, क्योंकि जो हम पहाड़ समझते हैं वो नैनीताल और वो देहरादून नहीं है, जो पहाड़ हैं वो बहुत मतलब बहुत अंदर के इलाके हैं जो जो इससे प्रभावित भी हुए हैं इस आपदा से, तो वहाँ पे हम लोगों को जागरूक करना है और उनकी जो आवाज़ है वो उसको बढ़ाने में हमें मदद करनी है। तो ये दाएं या बाएं जो एक बॉलीवुड में जो दिखाने का आपका तो शायद उसमें तो बहुत ज़्यादा जी और जो एक एग्जिस्टिंग है वैशाला से लेके और सब, उसको दोनों में क्या आप फर्क देखती हैं कि क्या ये नहीं लगता कि एक कंट्रोल है कि वो जो फिल्म को चाहें वो दिखाएं और जिसको चाहें ना दिखाएं, तो वो उसमें क्या सफ़र कर रहे हैं आप जैसे बहुत सारे फिल्म का? नहीं डेफिनेटली देखिए क्योंकि वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री कोई भी इंडस्ट्री की तरह एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि और अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने शायद अपने दोस्तों के प्रोटेक्ट इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना चाहिए, आपके मतलब एक फैमिली चली आ रही है उनके इंटरेस्ट आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और तो वो बात तो है। पर मैं ये कहूँगी कि डेफिनेटली फिल्म इंडस्ट्री अभी थोड़ी खुल रही है तो जो जो बहुत अच्छी बात है उसमें, पर कितना खुलेगी और कितना होना चाहिए वो शायद अभी उसमें एक जर्नी बाकी है। पर डेफिनेटली ये फेस्टिवल के साथ मतलब मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा है क्योंकि एक तो आप चाहते हैं कि आपकी फिल्म आम जनता देखे और आप ये भी चाहते हैं कि आपकी फिल्म उन एक थोड़े थिंकिंग ऑडियंस तक भी पहुंचे, आप दोनों ऑडियंस तक रीच करना चाहते हैं और ये फेस्टिवल जिस तरह से कंडक्ट किया जाता है वो दोनों ऑडियंस तक पहुंचे, जो सोच विचार करके उस पर डिस्कशन भी कर सकते हैं और इस फेस्टिवल की वजह से काफ़ी शहरों में तक में ये फिल्म पहुँची है जहाँ मेरे प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर का तो इंटरेस्ट ही नहीं था उन शहरों में पहुंचाने तक, तो छोटे बड़े शहरों में काफ़ी जगह पहुंची है, उसकी चर्चा भी हुई है, उससे फिल्म और लोग भी उसको देख पाए हैं और टेलीविज़न में भी आई है, उस वजह से भी काफ़ी पहाड़ के लोगों ने देखी है ये फिल्म, तो उसमें मुझे बहुत खुशी है कि जो मतलब वो थिएटर में नहीं देख पाए वो टेलीविज़न से वो देख पाए, तो टेलीविज़न का एक फ़ायदा रहा है। तो अभी आपने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री बड़ी सी खुल रही है, वो किस तरह से खुल रही है, किस दिशा में खुल रही है? मतलब थीमेटिकली थोड़ा सा खुल रही हैं फिल्में और क्योंकि आजकल छोटी बजट में फिल्में बन रही हैं और उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ये मल्टीप्लेक्सेस के जो है तो वो है, तो उस वजह से थोड़ा सा आप एक्सप्लोर कर पाते हैं। पर फिर भी एक ऑडियंस एजुकेशन और एक डिस्ट्रीब्यूटर एजुकेशन बहुत एक लंबा रास्ता है, तो उसमें मतलब एक्चुअली ये जो जो आपका फिल्म फेस्टिवल है मतलब ये बहुत उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है कि आप एक ऑडियंस को ही आप वहाँ छोटे छोटे बड़े जगहों में ऑडियंस के अंदर घुस के आप उनके टेस्ट बदल लें,
लेकिन ये फिनामिना हर जगह देखने को मिल रहा है कि जो ट्रेडिशनल जो थिएटर थे सिनेमा थिएटर वो तो बंद हो रहा है जी, हाँ, और मल्टीप्लेक्स जो है वो सिटी में है बड़े जी, सिटी जी, में हाँ, तो जो गांव हैं और छोटे कस्बे हैं वहाँ तो लोगों को देखने का कोई अल्टरनेटिव नहीं है हाँ, या वो खुद अपने सेट पे डीवीडी खरीद के लाके देखें जी, जी, और इस कारण वो फिल्मों की एक्सेस अब उन वहाँ तक पहुँची है बल्कि कह सकते हैं कि जो महानगरीय हाँ, जीवन है वहीं तक फिल्में हैं जी, जी, और उस हाँ, इसलिए वो उस फिल्मों की कहानियाँ भी सिटी के लोगों की exactly, कहानियाँ हाँ, हाँ, तो ऐसे समय में कि जब वो पूरा एक डिस्ट्रीब्यूटिंग का नेटवर्क जो है वो सिटी बेस्ड है इसलिए सिटी बेस्ड कहानियाँ हैं जी, तो हाँ, गाँव के लोगों की कहानियाँ बनाना और फिर दिखा भी लेना हाँ, 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 तो ये एक बड़ी कठिन बात हो गई है। नहीं वो कठिन तो है पर मुझे ये लगता है कि अगर मतलब जैसे एक रास्ता इसमें मुझे लगता है कि अगर हर स्टेट गवर्नमेंट हर साल 10 छोटी छोटी फिल्में अगर बनाए और उसमें एक क्योंकि अभी फिल्म बनाना उतना डिफ़िकल्ट और महंगा मीडियम नहीं रहा है, एक एक्सेसिबल हो गया है क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी बदल गई है तो उससे काफ़ी एक्सेस। तो अगर ये आइडिया मैंने उत्तराखंड की भी गवर्नमेंट से एक बार डिस्कस किया था कि आप क्यों ना आप एक 2 करोड़ आप मानिए आप 2 करोड़ रखिए और उसमें आप 10 फिल्में बनाइए यहाँ के लोगों की यहाँ की कहानी और वो उसमें आप एक उनको उनके लिए कोई गाइड्स रखिए जो उनको मेंटोर भी करें और आप सिर्फ कंडीशन ये है कि कहानी यहाँ की होनी चाहिए मतलब हो सकता है शहर की हो पर एक यहाँ के आदमी के एक्सपीरियंस तो उससे क्या होगा कि हर जगह हर स्टेट में तो नई नई कहानियाँ फिल्मों में आ सकती हैं और आप समझ लीजिए कि उसमें कितना सारा कलर और विभिन्न किस्म के जो अनुभव होंगे वो आगे आ सकते हैं। तो एक रास्ता तो मुझे ये लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर हर स्टेट गवर्नमेंट अगर ये इनिशिएटिव ले और बहुत बड़ा उनको रकम नहीं डालनी है और नए फिल्म मेकर्स भी एक तो पैदा होंगे नई कहानियाँ आएंगी और उससे एक लोकल वॉइस और एक रीजनल कल्चर है और रीजनल सिनेमा उसका एक उसको बहुत बढ़ावा मिलेगा क्योंकि रीजनल सिनेमा जैसे साउथ में है वैसे अपने हिंदी बेल्ट में तो डेवलप नहीं बिल्कुल नहीं हुआ है और अगर वो फिल्में सिर्फ अगर आप जैसे अगर राजस्थान में बने सिर्फ राजस्थान में अगर वो फिल्म चले एक पैकेज की तरह या राजस्थान टेलीविज़न में भी अगर चले तो उसमें तो उनका फ़ायदा ही होगा क्योंकि हर व्यक्ति अपने रीजन की कहानी तो देखना ही चाहता है। लेकिन एक इसी के साथ जुड़ा यह भी सवाल है कि हम लोग पतलोक का सिनेमा उसको ज़्यादा ठीक से इसको व्याख्यात करता है कि स्टेट की पूंजी से या जो बॉलीवुड में जिसकी पूंजी लग रही कॉर्पोरेट पूंजी से उसमें कंट्रोल भी हाँ वो कंट्रोल होगा तो अंततः जो जनता का सिनेमा है वो तो वो जनता के लिए लोग ही बना सकते हैं वो तो स्टेट और कॉर्पोरेट बिल्कुल अपने कंट्रोल में अपने इंटरेस्ट में डेफिनेटली नहीं वो तो है। देखिए वो ये बात तो है पर क्योंकि फिल्म बनाने में एक पूंजी लगती है तो अगर आप पहली फिल्म अगर आपको बनाने के लिए अगर एक पूंजी मिल जाए आप बना लें उससे थोड़ा सा तो हो सकता है अगली फिल्म बनाने में आपको एक कॉन्फिडेंस अलग आ जाए क्योंकि अगर हम बोलें कि अब सब लोगों को अपनी इंडिविजुअल पूंजी इकट्ठा करनी चाहिए तो फिर वो तो एक बड़ा मुश्किल सा रास्ता हो जाता है और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ढूंढना और वो सब। चलिए एक फिल्म में अगर एक स्टेट सपोर्टेड और अगर हर स्टेट चाहे जैसे NFDC में भी काफ़ी सारी फिल्में बनी हैं एक ज़माने में जो जिनमें एक इंडिपेंडेंट वॉइस थी तो वो उस समय वो बनी वो फिल्म तो क्यों नहीं और वैसी और फिल्में बन सकती हैं जहाँ पे आप एक इंडिपेंडेंट वॉइस को आगे आने दें। अभी आपकी आगे दाएं या बाएं के बाद क्या कौन सी फिल्म पर काम कर रही हैं? मैं वैसे तो काफ़ी सारी स्क्रिप्ट पे काम कर रही हूँ मैं पर दो स्क्रिप्ट्स हैं जो तैयार हैं
तो अभी वही उनको बनाने की तैयारी चल रही है। कब तक हम उम्मीद करेंगे कि आपकी दूसरी फिल्म हम लोग अगले 2 सालों में तो बन जानी चाहिए, ये मेरी भी उम्मीद है। ये नैनीताल में आपका कौन सा गांव है? जिस जो दाया बाएं वो कांडा गांव, वहाँ पे कांडा है। हाँ, वो नैनीताल में नहीं है, वो कुमाऊं में है। हाँ, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। और आपका गांव कहाँ पे? कांडा में। हाँ, कांडा। अच्छा, इस फिल्म की शूटिंग भी कांडा में, मतलब उसके आसपास। हाँ, गांव भी आपका। जी जी। तो आपका गांव से तो काफ़ी लगाव है, काफ़ी आना जी जी काफ़ी आना जाना है। और अभी भी एक प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पे, जहाँ पे वो एक बड़े एक उत्सव हो रहा है, महोत्सव, जहाँ पे वो ये फिल्म दिखाने वाले हैं। और एक कल्चरल प्रोग्राम होने वाला है कांडा में ही। और मतलब एक्चुअली फिल्म के अलावा मुझे लगता है कि मैं और तरीके से भी वहाँ से जुड़ना चाहती हूँ, क्योंकि फिल्म तो एक माध्यम है, एक ही एक तरह का माध्यम है बात अपनी बात आगे रखने का। पर उससे आगे भी कोई भी आप क्रिएटिव लाइन में है, उसे सिर्फ कहने से नहीं बात पूरी होती है, आपको उसको एक सच्चाई भी होनी चाहिए उस बात में, तो आपकी ज़िंदगी में भी वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो आप फिल्में तो बड़ी बड़ी बातों की बना सकते हैं, पर वो बातें क्या आप पे लागू होती हैं, तो उसमें भी एक सच्चाई होनी चाहिए। मुंबई में रहते हुए पहाड़ आपसे छूटे नहीं? हाँ, अभी वहाँ की कहानियाँ अभी बाकी हैं मेरे दिमाग में, जब वो मैं बता दूंगी तो शायद छूट जाएंगे। कैसा लगता है कि छूट जाएगा? लगता तो नहीं है, पर हो सकता है। एक्चुअली अभी मेरा धीरे धीरे पहाड़ों में वापस मतलब ज़्यादा मैं जाने लगी हूँ। और ऐसा क्यों? मतलब आपकी फिल्म में तो लोग पहाड़ छोड़ के भागना चाहते हैं। जी जी जी। और आप मुंबई जाके एक तरह से स्थापित हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी पहाड़ में बार बार घूम के आती हैं, क्योंकि वही मतलब मेरे जो मेन कैरेक्टर है उसकी भी वही जर्नी है। हाँ, हाँ। तो शायद उससे मैं बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई करती हूँ। और मुझे ये लगता है कि अगर पहाड़ों में जो लोग पढ़ लिख लेते हैं तो वो तो ज़्यादातर वहाँ से निकल ही जाते हैं। तो क्या है कि इसी यही वजह है कि पहाड़ों की स्थिति, जो मेरे माँ के बचपन में जो स्थिति थी, मेरे पिताजी के बचपन में जो स्थिति थी, आज भी वही स्थिति है। मेरे पिताजी के गांव में आज तक रोड नहीं है, और जो भी सिर्फ सोलर से मतलब इलेक्ट्रिसिटी से काम चलता है, अभी तक आपको वहाँ पे पैदल चल के जाना पड़ता है। तो ये शायद पता नहीं कब बदलेगा। तो जो लोग पढ़ लिख के अगर थोड़ा वापस जाके अगर काम कर सकें तो तभी वहाँ की सिचुएशन बदल सकती है। नहीं तो यही है कि जो मन आए सब लोग आके कर रहे हैं, और जो लोग वहाँ हैं वो शायद अपनी मजबूरी से वहाँ हैं, अपनी इच्छा से कोई वापस नहीं रहना चाहता है ज़्यादातर। तो उसको बदलना है, क्योंकि आपको वहाँ पे हम लोगों को जो थोड़े से प्रिविलेज्ड हैं, जो बाहर निकल के थोड़ा काम हमने किया, सिर्फ मतलब अपने काम के रिलेटेड नहीं, पर मतलब वहाँ पे काम करना है कि वहाँ पे थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ें, एक अवेयरनेस बढ़े। वहाँ के एनवायरनमेंट में काफ़ी मतलब डैमेज हुआ है, उसको कैसे सुधार सकें सब लोगों को, मतलब ये एक्चुअली स्पेशली उत्तराखंड जो लोग वहाँ से निकले हैं उनको अब इस सिचुएशन में मतलब जागरूक होके मतलब थोड़ा बहुत सबको सिर्फ पैसे देने से, सिर्फ उस देने से नहीं बात बन रही है, आपको खुद वहाँ से वापस थोड़ा बहुत जुड़ना पड़ेगा। मुंबई में पहाड़ किस तरह से मिस होता है? मतलब अगर कहें कि मुंबई है, मैं आप रहती हूँ, लेकिन पहाड़ मुंबई में कैसे आपको मतलब छूटता है कि क्या क्या चीज़ें मिस होती हैं मुंबई में? एक तो पहाड़ का एकांत। हाँ, और डेफिनेटली वहाँ की सुंदरता तो मतलब एक बहुत ऑब्वियस चीज़ है, और एक सिंप्लिसिटी है लाइफ में,
जो मुंबई में तो नहीं रही और शायद पहाड़ों में भी वो बदल रहा है धीरे धीरे, तो शायद कुछ सालों बाद ये एक एक सी ज़िंदगी हो जाएगी. पर एक सिंप्लिसिटी है वहाँ के लाइफ में, और वो सिंप्लिसिटी मैं रोमांटिसाइज नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि वो सिंप्लिसिटी में बहुत तकलीफें भी हैं. पर जब आप पहाड़ जाते हैं तब आपको एकदम से एक अंदाज़ा आता है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी नहीं है. जैसे मोबाइल फ़ोन, आपका मतलब नेटवर्क चला जाता है कभी कभी और कई दिनों तक आपको ज़रूरत नहीं महसूस होती है. इंटरनेट, जो हम चिपके रहते हैं इंटरनेट में, उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत, कभी एक महीने तक अगर आप पहाड़ में हैं तो आपको कभी भी ऐसी ज़रूरत महसूस नहीं होती है उसकी. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं हम जो हमने अपनी ज़िंदगी में जोड़ ली हैं. जब आप पहाड़ों में जाते हैं, ऐसी कोई जगह जाते हैं, तो आपको महसूस होता है कि कितने आसानी से आपकी, हाँ, तो एक सिंप्लिसिटी है जो डिज़ायरेबल है. और डेफिनेटली एक सिंप्लिसिटी है ज़िंदगी में जिसमें बहुत तकलीफें हैं, जिसको हमें मतलब सुधारना है और उसको बदलना है. ठीक है, थैंक यू. ओके.